है दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस। यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में SSC GD यूपी पुलिस लेखपाल अमीन इंडियन आर्मी पटवारी रेलवे ग्रुप डी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं यस के ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है भाई। वीडियो अंत तक देखें, यानी हमारे क्या है देशराज भाई, देशराज और ज्ञानेंद्र यादव ये सब भाई हमारे क्या बराबर कमेंट करते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं। देशराज यानी क्या है राहुल ज्ञानेंद्र ये सब भाई क्या हमारे बराबर कमेंट करते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं भाई। वीडियो अंत तक देखें, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है, सपने उनके पूरे होते हैं, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बात बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं भाई। क्या है, सपने उनके पूरे नहीं होते, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बात बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं भाई। सपने उन्हीं के पूरे जो अपनी जिद पर अड़ा होता है, जो अपनी जिद पर अड़ा होता है कि हमें क्या अपनी मंजिल को पाना है, हमें अपनी मंजिल को पाना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। सपने उनके पूरे नहीं होते जो बात बात में क्या हमेशा बोलते हैं, जो बोलते रहते हैं बात नहीं भाई। अगर सफलता लेना है तो बातों से नहीं, यानी क्या है बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा भाई। क्या बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा भाई, हमें मंजिल को पाना है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं भाई। हमें क्या सपना चाहे जितना बड़ा हो, यानी सपना चाहे जितना बड़े, मंजिल चाहे जितनी दूर हो, क्या हम अपने जीत पर अड़े हैं। हमें क्या हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, लिखा है ना, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे धोकर पड़े भाई। सपना चाहे जितना बड़ा हो, मगर क्या हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, जो माँ बाप ने क्या सपनों को सजा के रखा है। यहाँ पे लिखा है ना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाद बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं भाई। जो जिसका संघर्ष है, जो जिसका संघर्ष जारी है, वही निकलता है, वही करता है भाई। क्या अपने माँ बाप का सपना पूरा करता है भाई। हमने अपने मंजिल को पाना है तो क्या रात दिन मेहनत करना होगा। सवाल नंबर क्या कह रहा है भाई, सवाल क्या कह रहा है, दो व्यक्ति ए बी, यानी दो व्यक्ति ए तथा बी जिनकी आय का अनुपात क्रमशः 4:5, यानी क्या है 4:5 है, यदि उनके व्यय क्रमशः 9:7 है तथा इनकी बचत 1000 रुपये हो, तो भाई क्या पूछ रहा है, ए की आय बताइए, यानी क्या ए की आय बता, यानी पूछ रहा है, यानी ए की आय। देखिए क्या है, हमने कैसे लगाया, देखिए क्या है, यानी अनुपात कितना है भाई, ए से कितना माना, ए से कितना माना भाई, बी माना, यानी क्या कह रहे हैं, अनुपात कितना है 5:4, यदि इनके व्यय में यानी 9:7 है तो इनके बचत बताइए भाई। हमने क्या लिखा, 5/5 कितना लिखा, 7, कितना है भाई 5/4, हमने कितना 5 से कितना माना 4। अब देखिए भाई इनका बचत कितना हो रहा है भाई, 1000 रुपये हो रहा है ना, कितना हो रहा है भाई 1000 रुपये जब बचत हो रहा है, हमने 1000 लिखा, दोनों में 1-1000 लिखा। अब देखिए बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है भाई, 9:7 हमने भाई कितना लिखा, 9/7 हमने गुणा किया, 7×5 = 35 यक्स, माइनस 7×9 = 7000 माइनस 9 यानी बराबर 9×4 = 36 यक्स, माइनस 9×9 = 9000। देखिए भाई अब हमें क्या है 35 उतार लेना है, कितना भाई 35 x, अब देखिए 36 प्लस में है, इधर है क्या भाई माइनस, कितना हो गया 36 x, कितना 36 x बराबर, अब माइनस 9000, हमने 9000 उतारा, अब प्लस माइनस 7000 है, इधर गया प्लस 7000 हो गया। देखिए जब घटाएंगे इसे कितना गया एक्स, एक्स बराबर भाई कितना आ गया 2000, कितना 2000 माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर भाई कितना आ गया 2000। मगर भाई सवाल में क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, ए की आय बताइए, ए की भाई आय बताना है, हमें ए का आय बताना है, यानी ए का आय बताना, ए की आय कितना माना है भाई, हमने तो यहाँ पे 5 है, कितना माना है भाई 5x बराबर, हमने कितना उतारा 5, यानी यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान कितना आया भाई 2000, हमने कितना लिखा 2000 गुणा किए, सीधा कितना आ गया 10000, कितना आ गया भाई 10000। हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें ट्रिक पे लगाना है, इससे जल्दी आंसर लाना है भाई। देखिए इससे जल्दी आंसर कैसे आता है, देखिए यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे कितना है, यानी देखिए यहाँ पे कितना है 5:4, हमने 5:4 लिखा, फिर यहाँ पे देखिए कितना है,
फिर कितना हो जा रहा है 9:7, हमने कितना लिखा भाई 9:7। फिर बचत कितना हो रहा है भाई 1000, हमने कितना लिखा भाई 1000 रुपये। कितना भाई 1000 रुपये हमने क्रॉस गुणा किया, 9 × 1 = 9000। कितना भाई 9000, 7 × 1 भाई 7000। कितना 7, हमने क्रॉस गुणा किया, 9 × 4 = 36, 7 × 5 = 35, हमने घटा दिया भाई 1 आ गया, जब इसे घटाए कितना आ गया भाई 2000। किसकी आय पूछ रहा है भाई, यहाँ पे 1 की आय पूछ रहा है, हमने कितना लिखा यानी 1 को कितना माना है भाई 5x माना है, कितना हमने 5 × कितना लिखा भाई 2000। कितना 2000 कितना आ गया भाई 10000। अगर बी की पूछता तो हम बी में गुणा करते, अगर यानी कि बी का अगर पूछता है तो हम बी इसमें गुणा करते, ए का पूछा है तो हमने क्या ए से गुणा किया। सवाल नंबर अगला, यानी सवाल अगला भाई क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, दो व्यक्ति ए तथा बी, यानी क्या पूछा है, दो व्यक्ति ए तथा बी जिनकी आय का अनुपात 4:3 है, यदि इनके व्यय क्रमशः 9:7 है तथा इनकी बचत 2000 तथा 1000 रुपये हो, तो ए की भाई क्या आय पूछ रहा है, क्या ए की आय पूछ रहा है। हमने अभी आपको यानी क्या ट्रिक बताया, पहला ट्रिक देखिए, हमने क्या 4 लिखा और कितना लिखा भाई 3, अनुपात यानी व्यय यानी आय, आय मतलब कितना 4:3 यानी खर्च यानी व्यय मतलब खर्च कितना हो रहा है 9:7, हमने कितना लिखा 9:7। अब देखिए बचत कितना हो रहा है 2000 रुपये और तथा 1000 रुपये, यानी ए में 2000 और बी ने यानी कितना 1000 रुपये बचत कर रहा है, हमने कितना लिखा 2000, कितना लिखा 2000 और भाई कितना लिखा 1000, हमने क्रॉस गुणा किया भाई। जब देखिए 7 × 2 = 7, कितना 7 × 2 = 14000 आ गया, 9 × 1 = 9 भाई 9000 आ गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 × 3 यानी कितना 7 × 4 भाई 28 यानी 9 × 3 = 27, इसे घटा दिया 1 आ गया भाई, इसे घटा दिया कितना आ गया 5000। कितना आ गया भाई 5000, कितना 5000 भाई किसका यहाँ पे पूछ रहा है, 1 की आय पूछ रहा है। हमने क्या बताया, जिसका आय पूछे उसी में हमें क्या गुणा, इसे ए माना है तो इसे क्या माना है बी, यानी क्या पूछ रहा है 1 की तो आय पूछ रहा है, जब 1 की आय पूछा तो हमने कितने गुणा किया यानी कितना 4 × कितना 5000 आ गया, कितना भाई 20000, कितना भाई 20000, ये तो हमारा पूछ रहा है। अब देखिए दूसरा ट्रिक यानी तारीख, हम यानी ट्रिक कैसे लगाते हैं, हमने क्या लिखा है भाई 4/3, हमने एक्स लिख लिया यानी 4x/3x माइनस, यानी ए में कितना बचत कर रहा है 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये और ए कितना बचा रहा है 1000 रुपये, बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है भाई 9/7 यानी 9/7 मतलब 9/7, हमने क्रॉस गुणा किया 7 × 28x - 7 × 2 = 14, कितना 7 × 2 = 14000 बराबर कितना 9 × 3 = 27x। फिर हमने इसमें गुणा किया 9 × 1 = 9000। देखिए भाई x घटा लेना है और अंक अंक घटा लेना है, देखिए 28x है, ये प्लस में इधर आया माइनस, यानी 28 में 27 गया माइनस, कितना बचा x। अब देखिए 9000 है, 9000 में 14000 घटाएंगे भाई कितना आएगा माइनस 5000, यानी माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर भाई कितना आ गया 5000। सवाल क्या पूछ रहा है भाई, यानी एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एक की आय बताइए, हमने एक को कितना माना है भाई 4 और बी को कितना माना है भाई 3, यानी हमने क्या किया 4 में सीधा गुणा कर लिया, कितना आ गया भाई यानी 5 × 20 यानी कितना आ गया भाई 20000, कितना आ गया भाई 20000। यही हमें इसी ट्रिक से लगाना है, इससे क्या भाई जल्दी आंसर आएगा, इससे क्या भाई थोड़ा लेट में आएगा यानी थोड़ा देर में आएगा। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, एक थैले में 1 रुपये यानी एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, पी मतलब पैसे के सिक्कों यानी सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है, यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हो, तो क्या भाई पूछ रहा है 50 पैसे के यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है भाई, क्या सिक्कों की संख्या, वो हमने आपको एक ट्रिक बता रहे यानी a बटा कितना होता है भाई ax, कितना भाई ax + by + कितना भाई cz गुणते p मतलब क्या भाई कुल मूल्य यानी कुल रुपए कुल
रुपये। अब देखिए भाई ये हमारा क्या है ट्रिक है, इसी ट्रिक से हर सवाल आएगा। यानी क्या है जब सिक्कों की संख्या पूछे भाई यही ट्रिक लगाना है, इसी ट्रिक से चाहे जैसा भी सवाल हो सारे सवाल इसी ट्रिक पे आएंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, यानी हमने क्या इसे ए माना भाई, इसे बी माना, इसे सी माना। अब क्या जो यानी क्या है जो रुपये में है इसे हमने एक्स माना, इसे क्या माना वाई माना, इसे क्या माना भाई जेड माना। यानी एक्स वाई जेड और ए बी सी यानी कुल यानी मिल गया कुल मान यानी कुल रुपए हमारा कितना है भाई 210 रुपए। यानी किसका पूछ रहा है भाई 25 पैसे के ना क्या भाई, यानी क्या 50 पैसे, यानी 50 पैसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे मतलब इसे यहाँ क्या है 50, यानी वाई यहाँ पे कितना है भाई बी, बी मतलब क्या होता है 50 पैसे। अब देखिए यहाँ पे ए है ना, किसका पूछ रहा है यानी 50 पैसे यानी सूत्र। अगर जिसका पूछे भाई, अगर जैसे यहाँ पे यानी किसका पूछे यानी ए का या बी का सी का, अगर बी का पूछे यानी क्या है बी यानी ए का पूछ रहा है ना, यानी किसका भाई यहाँ पे ए का, यहाँ पे लिख दीजिए सही है ये है ये भी है ये क्या है सी। यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना भाई, 50 पैसे मतलब क्या होता है बी, यानी क्या है हमने इसका बी यानी जिसका निकालना है भाई उसे हम क्या ऊपर लिखना है। अब देखिए क्या है हमने यहाँ पे बी है, बी हमने कितना माना है भाई 6 माना है ना, क्या माना है भाई 6, हमने ऊपर कितना लिखा 6 लिखा। अब यहाँ पे ए है ना, ए कितना है भाई 5, हमने 5 लिखा। अब यहाँ पे एक्स है ना, एक्स कितना 1 रुपये, हमने कितना लिखा लिखा भाई 1 रुपये। फिर प्लस यहाँ पे बी है, बी कितना है 6, यानी बी भाई कितना है 6, यानी अब क्या है यहाँ 50 पैसे है ना, जब 50 पैसे भाई इसे हमका दशमलव में लिख दें यानी कितना 0.50 पैसे, कितना भाई 0.50 यानी कितना लिखा 0.50। फिर हमने क्या लगाया फिर प्लस उतारा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है, सी भाई कितना है 8, हमने ये 50 ये जो 25 पैसे है इसे सीधा दशमलव ले लीजिए यानी 0.25 यानी कुल मूल्य भाई कितना है हमारा, कुल मूल्य कितना है भाई 210 रुपये, कितना हमने लिखा 210। अब देखिए सवाल यानी 6 हमने उतारा, 5 इकन्नम 5, 5×6=30 यानी भाई देखिए अगर हम गुणा करेंगे यानी 6 में अगर हम कितना भाई 0.50 में अगर हम 5 से गुणा करें यानी कि गुणा करेंगे 6 जरम में 0, 5×6=30 हासिल कितना बचा 5×6=30 5×6=30। अब देखिए भाई दो अंक बाद हमने दो अंक बाद दशमलव लगा दी, कितना आ गया भाई 3 आ गया। फिर प्लस लगाया यानी 25×8=200, 25×8=200 मतलब भाई कितना लिखा 2, गुणते कुल मूल्य कितना है भाई 210, हमने लिखा 6 यानी 5×3=8, 8×2=10 भाई कितना लिखा 210। 0 से 0 कैंसिल, 21×6 यानी 6×6=6, 6×2=12, 21×6=126, 21×6=126 यही पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे 50 पैसे है ना, 50 पैसे मतलब यहाँ क्या भाई बी है यानी ए को यानी किसके साथ गुणा किया यानी एक्स को ए के साथ गुणा है, यानी वाई को बी के साथ गुणा किया है, यानी जेड को क्या सी के साथ गुणा किया है ना, यानी देख लिए हमने बी, बी हमारा कितना है भाई 6 है तो हमने 6 उतारा। यहाँ पे ए है, ए का मान भाई कितना माना है 5, हमने 5 लिखा। अब यहाँ पे एक्स, एक्स मतलब क्या है भाई 1 रुपये, हमने क्या लिखा यानी सब क्या पैसे हैं तो हमें क्या रुपए में बदला है, क्या रुपए में बदला है। फिर हमने क्या लिखा प्लस है प्लस। यहाँ पे बी, बी कितना है भाई 6 है तो 6 हमने गुणा लगाया। फिर यहाँ पे वाई, वाई कितना यानी 50 पैसे तो हमने कितना लिखा 0.50, फिर गुणा यानी प्लस लगाया। फिर कितना है सी, सी का मान कितना है भाई 8। यहाँ पे जेड है, जेड का मान कितना है 25 पैसे, इसका मतलब कितना होता है 0.25, हमने गुणा किया ऊपर 6×6=5×5, 25 यानी 6×5=30 यानी कितना आ गया भाई 3, यानी 25×8=200 सीधा कितना लिखा भाई 2, गुणते कितना 202 यानी ऊपर 6×6 लिखा नीचे कितना है 10, फिर कितना लिखा गुणते 210। 0 से 0 कैंसिल, 21×6 कितना होता है भाई 126। अब सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला
एक थैली में 50 रुपये यानी एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में हैं। यदि इस थैली में कुल 360 रुपये हो तो क्या भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने भी आपको बताया, यानी कितना यानी किसे पूछ रहा है? यानी 25 पैसे ना, 25 पैसे मतलब ये क्या है, यानी ये है 25, हमने इसे क्या माना, ए, इसे भी माना, इसे सी, इसे एक्स माना, इसे वाई माना, इसे क्या भाई जेड माना। अभी हमने आपको सूत्र लगाया ना, यानी जिसका पूछेगा वही हमें ऊपर लिखना है, यानी 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है ना, 25 पैसे मतलब कितना होता है 4, हमने ऊपर कितना लिखा 4। अब यहाँ पे सूत्र हमने क्या लिखा है, या सी पूछ रहा है ना 25 पैसे, 25 पैसे मतलब ये क्या है हमारा लास्ट में है, यानी क्या है इसका मतलब क्या, सी, हमने सूत्र बताया जिसका पूछे उसे ऊपर लिखना है सी बटे कितना भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड गुणते भाई कितना पी, यानी कुल मूल यानी कुल रुपए, कुल रुपए। अब देखिए यानी सी कितना माना है भाई, हमने 4, हमने कितना लिखा 4। यहाँ पे ए है, ए कितना माना है भाई 1 रुपए, यानी गुणते एक्स है, यानी यहाँ पे ए कितना भाई है 2, ए कितना है 2, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स कितना है भाई 1, हमने 1 लिखा। फिर प्लस यहाँ पे बी है, बी कितना माना है भाई 3, हमने 3 लिखा। फिर गुणा यानी यहाँ पे वाई है, वाई कितना है 50, हमने बताया दशमलव मान लेने 0.50। फिर प्लस उतारा भाई, यहाँ पे क्या है सी कितना है भाई 4, यहाँ पे जेड है ना, जेड भाई कितना है यानी 0.25 है, तो हमने कितना लिखा 0.25। फिर गुणते कुल रुपए भाई कितना है 360, हमने कितना लिखा 360, ऊपर 4 है 4 लिखा। देखिए भाई 4 × 2 = 2, यानी 5 × 3 = 15, यानी 1.5, जब गुणा करेंगे इसका भाई 1.5 आएगा। फिर प्लस यानी 25 × 100 मतलब जब गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 1, कुल कितना है भाई 360, हमने 4 उतारा, जब इसे जोड़ा कितना आ गया 2 × 3 = 3 × 4 कितना आ गया भाई, जब इसे जोड़ा यानी 2 × 3 कितना आया भाई 5, यानी 2 × 1.5 = 5 कितना भाई 4.5 कितना आया 4.5 गुणते भाई कितना 360। अब देखिए यानी 4 है 4 उतारा कितना भाई यानी कितना है 45, कितना भाई 45 हमने गुणा चिन्ह लगाया यानी कितना 36, जब दशमलव नीचे यानी एक अंक बाद कितना है एक अंक बाद दोनों तो ऊपर कितना जाएगा भाई, हमने 1 0 और बढ़ा लिया, कट रहा है यानी कितना 59 यानी 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 36, सीधा कट रहा है 5 × 8 = 40, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 8 कितना भाई बचा 320 रुपये, यही तो पूछ रहा है यानी क्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भाई कितना आ गया 320 भाई। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए भाई, मेहनत करिए सफलता मिलेगी जरूर, यानी मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी भाई। हमें क्या किस्मत को पलटना है, अगर किस्मत को पलटना है तो क्या हमें रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, हमें क्या रात दिन मेहनत करना पड़ेगा भाई। वीडियो समझ में सभी लोग कमेंट जरूर किया करें, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें भाई, वीडियो अंत तक देखा करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर किया करें। जय हिंद, जय भारत।